आंकड़ों को लेकर ताजा अपडेट दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रिलीज किए गए जो नए आंकड़े हैं वो कहते हैं कि कुल मामले 6 लाख के पार चले गए हैं, जो आप इस वक्त इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। 6,04,641 देश भर में आंकड़े हो चुके हैं, जबकि 3,59,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 17,834 लोगों की देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों पर अगर आप नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 19,148 नए केसेस सामने आए, तो 11,881 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 434 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुई है। और आपको अब ये राज्यवार स्थिति भी हम एक बार दिखा देते हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, वहां पर कुल मामले 1,80,000 के पार जा चुके हैं, हालांकि 93,000 लोग वहां पर स्वस्थ भी हुए हैं। 8,053 लोगों की अब तक वहां पर मौत हुई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,000 के करीब मामले बढ़े हैं। दिल्ली की तस्वीर अगर आप देखें, 89,000 के पार जा चुके हैं कुल आंकड़े। 2,803 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। गुजरात की तस्वीर देखिए, 33,000 के पार कुल मामले गुजरात में अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। 1,867 लोगों की गुजरात में मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 24,000 केसेस कोरोना संक्रमण के रिपोर्ट हुए हैं। 718 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16,629 लोग कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। राजस्थान, जहां पर कुल मामले 18,312 हैं, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या 14,574 है, जबकि 421 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, 13,861 कुल मामले, लेकिन इस बीच 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 581 लोगों की मौत अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। तो ये राज्यवार स्थिति हमने आपको कोरोना को लेकर दिखाई, लेकिन देश में जिस तरह से आंकड़े 6 लाख के पार पहुंचे हैं वो हमने आपको दिखाया, लेकिन ये एक रफ्तार कैसे बढ़ी है अब जरा उस पर एक नजर डालिए। पहले 1 लाख केस 119 दिन में हुए थे, 2 लाख केस 15 दिन में बढ़ गए। ये देखिए, ये फासला कितनी तेजी से घटा है। 2 से 3 लाख केसेस महज 10 दिन के अंदर हुए हैं, और 3 से 4 लाख केस सिर्फ 8 दिन में, 4 से 5 लाख केस 6 दिन में, और 5 से 6 लाख केसेस पहुंचे हैं 5 दिन के भीतर। कोरोना की ये रफ्तार ये बताती है कि इस वायरस के फैलने की रफ्तार आंकड़ों में जो दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि देश में 6 लाख से ज्यादा केसेस अब तक हो चुके हैं। तो तस्वीर हम आपको 18 मई से लेकर 1 जुलाई तक की दिखा रहे हैं कि किस तरह से केसेस बढ़े हैं और कितने कैसे दिनों का ये आंकड़ा लगातार घटता गया है। बात अब कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। कोरोना के केसेस यहां भी लगातार बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में अब कोरोना कम हो रहा है, लोगों के ठीक होने की दर बढ़ गई है। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया। 60,000 केस की उम्मीद थी, एक्टिव केस की, इस टाइम 60,000 पेशेंट्स होंगे, उसके मुकाबले आज दिल्ली में 26,000 पेशेंट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब से गृह मंत्री जी ने अपनी इंटरवेंशन करी है दिल्ली में, तब से चाहे आप 10,000 बेड जो ITBP ने बनाए हैं वो देख लीजिए, या फिर आप रेलवे में जो है आपको बेड देखने को मिल रहे हैं कि बेड की जिस तरीके से संख्या बढ़ी है, तो इससे पता चलता है कि अगर दिल्ली सरकार ने कुछ किया होता 4 महीने में, क्योंकि उनको 4 महीने मिले थे, और आज दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी अगर उनकी कोई अचीवमेंट है तो वो दिल्ली को सबसे आगे लेके जा चुके हैं केसेस में, महाराष्ट्र से भी आगे। तो जब से गृह मंत्री जी ने इंटरफेयर किया है उसके बाद से सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई। हमने सुझाव भी दिए थे कि आपको 2 महीने पहले भी कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैपिंग करनी चाहिए इलाज के ऊपर, जिससे गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करा सके। तो इस तरीके का CM मतलब इस टाइम पे भी अगर इस तरीके के झूठ बोलेंगे तो इससे पता चलेगा कि दिल्ली की क्या हालत कर दी है आज आपने। तो गौतम गंभीर यहाँ पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कि कोरोना को जिस तरह से डील करना चाहिए था दिल्ली सरकार उसमें विफल रही। जब गृह मंत्रालय ने इसमें इंटरवीन किया, खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे, तब जाकर कुछ व्यवस्थाएं दिल्ली में नए सिरे से खड़ी की जा सकी।
हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो हमने ये अभी बयान सुनाया, चाहे गौतम गंभीर जिस तरह से मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली अपना वर्स्ट देख चुकी है, अब मामले कम ही होंगे, लेकिन किस आधार पर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं? और असल में अगर बीते 24 घंटे के आंकड़े में भी देखें तो 2000 केसेस तो पिछले 24 घंटे में भी बढ़े हैं, कहां दिल्ली आज की तारीख में खड़ी है अभी? दरअसल पिछले 6 से 7 दिनों से मीनाक्षी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है, और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो हेल्थ बुलेटिन आता है उससे पता चलता है, क्योंकि यही आंकड़े 3,500-4,000 तक पार कर चुके थे। जो डेथ रेट था वो भी 70-80 के ऊपर जा रहा था, वो आंकड़े 60 से 65 पर सिमट रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ दिनों में 6-7 दिनों में देखा जा रहा है कि केस कल जैसे 2400 तक पहुंचे हैं, रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसको ऐसे देखें कि पहले 100 में से अगर 31 केस, 100 टेस्ट होते थे तो 31 पॉजिटिव आते थे, अब 100 टेस्ट में से सिर्फ 13 आ रहे हैं। तो पॉजिटिव केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे उसमें कमी आ रही है, बावजूद उसके कि दिल्ली में जो टेस्टिंग है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा टेस्टिंग के बावजूद उस औसत में केस कम है, पॉजिटिव जो केस है उनकी संख्या में कमी आना, साथ ही अस्पतालों में जो बेड की ऑक्यूपेंसी हो रही थी उस रफ्तार में कमी आ रही है। 2000 केस से भी ज्यादा अगर हर दिन आते हैं, जाहिर है ये राहत की बात तो नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जो तस्वीर थी कम से कम उस मुकाबले ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला समय दिल्ली के लिए राहत लेकर आएगा।